स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए मसाले वाली बूंदी। रायते में भी डाल सकते हैं आप, जलजीरे में भी, लस्सी में भी, जैसा आपका मन चाहे वैसे उसको डाल के खा सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन, 2 छोटे चम्मच सूजी, मसाले में हमें चाहिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, और ऑयल चाहिए हमें तलने के लिए। हम अब बैटर बनाएंगे। बाउल में बेसन डालेंगे। बेसन को आप अच्छे से छान लीजिए जिससे कि इसमें गांठें नहीं पड़े। सभी मसाले डाल देंगे, सूजी डाल देंगे और इसको चम्मच से मिलाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे हम बेसन को। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाना है हमें। घोल ना तो ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला, ठीक ठीक बनाना है। ये मसाला बूंदी बहुत ही टेस्टी लगती है रायते में, जलजीरे में, आप जैसे चाहें, लस्सी में, बच्चों को भी काफी पसंद आती है। देखिए थोड़ा पानी और डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घोल है जो तैयार होने वाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी जो है वो फूल जाए और इसका बैटर हमें पता चल जाए गाढ़ा है या पतला है। 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बूंदी तलनी है। काल लेनी है साथ के साथ, यही चीज जम जाएगी। देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसाला बूंदी एकदम तैयार है रायते के लिए। आप एक बार घर में जरूर बना के देखिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।